देखो आज देखो, हम ना डेंगू का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो अगर मान लो कोई डेंगू का पेशेंट है तो उसे कंप्लीट रेस्ट पे रखते हैं हम पेशेंट के लिए, यानी कि बिल्कुल रेस्ट पे। और हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जैसे ORF को हमने लिया और पानी में घोल के उसे पिलाते हैं पेशेंट के लिए। और न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो कीवी का फल है, या मान लो दूध है बकरी का, ठीक है, नारियल का पानी है, ये हम उसे पिलाते हैं पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और मान लो जैसे उसके बॉडी में पेन हो रहा है तो उस पेन को कम करने के लिए पैरासिटामोल का यूज करते हैं हम, ठीक है। और अगर फीवर है पेशेंट को, फीवर तो होगा, जाहिर सी बात है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पैरासिटामोल का ही यूज करते हैं। और मान लो अगर पेशेंट को उल्टी आ रही है तो उल्टी को रोकने के लिए ओन्टेम्सिट्रोन का यूज कर सकते हैं, या डोमपेरिडोम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। या मान लो एब्डोमिनल पेन है, यानी कि पेशेंट के क्या है, एब्डोमिन में पेन हो रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं, डाइसाइक्लोमिन का यूज करते हैं, ठीक है। बोला है कि पेट में एटमसी हो रही है तब। और अवॉइड क्या करना है हमें, यानी कि जो पेशेंट होता है डेंगू का उसे एनसेड नहीं देने। जैसे ये भी एनसेड है लेकिन ये कम होता है, ये वाला यानी कि आइबुप्रोफेन है या एस्प्रिन, इसका यूज नहीं करना है। एक चीज और, अगर मान लो डेंगू का कोई पेशेंट है तो उसे आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि औरों से अलग करके, यानी कि मतलब उसे मच्छरदानी वगैरह उड़ा के मतलब एक तरफ रख देते हैं, ताकि मच्छर उसे, यानी कि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसे मच्छर काट के एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को ना काटे, तो उसको भी हो जाता है। ये देखो, जैसे तुमने देखा होगा जो कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं उसमें MCV लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 80 से 100 फेमटोलीटर होती है, ठीक है। अब मान लो जैसे इसका मतलब जैसे ये लो लिख के आया, यानी कि लो MCV, यानी कि कितना, 80 से कम आ जाए, तो इसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो कौन सा होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी कि जो RBC का साइज होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो लो MCV से मतलब क्या है, जैसे मान लो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसकी वजह से क्या है, एनीमिया हो रखा है, यानी कि खून की कमी जो हो रखी है वो आयरन की वजह से हो रखी है। या थैलेसीमिया, इसकी वजह से खून की कमी हो रखी है, ये कंजेनाइटल डिजीज होती है। या विटामिन B6 की वजह से क्या है, खून की कमी हो रखी है, यानी कि लो MCV का मतलब है। या फिर मान लो एक व्यक्ति जो एल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करता है, उसकी वजह से क्या है, उसके अंदर खून की कमी हो रखी है। या मान लो किस कभी कभी क्या होता है, MCV का मतलब हाई लिखा हुआ होता है इस तरह से, यानी कि 100 से ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो एनीमिया होगा वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, यानी कि जो RBC का साइज होगा वो बड़ा होगा। तो देखो ये किस किस की वजह से खून की कमी होती है इसमें, एक तो विटामिन B12 की वजह से, मान लो इसकी वजह से खून की कमी है तब ये क्या होगा, बढ़ के आएगा तुम्हारा। या मान लो फोलेट, यानी कि विटामिन B9 की कमी है, तो भी क्या आता है, इसकी वजह से, यानी कि विटामिन B9 की वजह से खून की कमी है तब भी MCV बढ़ के आता है। और जैसे हाइपोथायरायडिज्म की वजह से क्या होता है, खून की कमी हो रखी है, तब भी क्या आएगा, ये बढ़ के आएगा। या फिर मान लो एंटी कन्वलसेंट आपकी ड्रग्स यूज कर रहे हैं तब भी क्या होता है, MCV बढ़ के आता है तुम्हारा, ठीक है।